दिस बाबर एनेबल्स चैनल लाहौर। आई होप आप लोग संडे अपना एंजॉय कर रहे होंगी। मैंने सोचा जी, मुझे एक कुछ स्टैट्स एल्गोरिथम पता चले हैं कुछ दिन पहले। कुछ जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, उसके अलावा स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, जो कि बेसिकली आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी सर्विसेज को मार्केट करने में। तो मैंने सोचा ये आपके साथ, बजाय कि मैं इसको शेयर करूं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूं और इनके नंबर्स आपको दिखाऊं। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा आप सबके ऊपर। तो आजकल एक और चीज की, आज थोड़ा सा मैं अमेजोन से हटके बात करेंगे। अभी जो टाइम चल रहा है, जो आने वाला टाइम है, हमें मल्टीपल स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा। आप एक स्किल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। उस स्किल को सर्विस करने के लिए या मार्केट करने के लिए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, और इन प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी भी स्टूडेंट्स, जब भी मैं मिलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एनेबलर्स की जो कम्युनिटी है, अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि वो उनको वो थोड़ा सा रिसर्च एलिमेंट के ऊपर काम नहीं करते। एक चीज़ अपनी हैबिट बना लें, रिसर्च जरूर किया करें। जहां कोई पोस्ट मिले, सबके साथ शेयर करें। मुझे जहां भी कोई पोस्ट ऐसी मिलती है, मैं सबके साथ शेयर जरूर करता हूँ। आपको भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव पोस्ट मिलती है, प्लीज डू शेयर, ताकि सबका फायदा हो और सबके नॉलेज में अगेन सबको पता चले कि क्या प्लेटफॉर्म, ये क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। जो लोग न्यूबीज हैं या इवन जो काम भी कर रहे हैं, आगे किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है, अपनी सर्विसेज को किस तरह से हमने सेल करना है। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग देखें। आई होप ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगे और आपके स्किल्स के लिए, आगे आपकी सर्विसेज के लिए आपको फायदा भी देंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखना ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या रोल प्ले कर रहा है, उस पर किस तरह की ऑडियंस है, और उनके लिए मार्केट टूल्स क्या हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनके ऊपर कब आपने कंटेंट अपडेट करना है तो आपको ज्यादा रीच मिलेगी, या किस तरह से बेसिकली इनके एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स यूनिक क्विक एंड डिमांड। हर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इनकी अपनी एक डिमांड है, इनका अपना एक फायदा है, इनकी अपनी रीच है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे एक थ्रू लाइक इन्फोग्राफिक इमेज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने भी यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, ये सारे स्किल्स के बारे में। छोटी सी वीडियो है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत होगा और आपके नॉलेज में और आपके इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा। तो इसको आप सिर्फ देखें। ये मैंने वैसे फाइल बना दी हुई है, ये मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको अपलोड कर ले, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। सो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अब जिस तरह के, पहला आपको पता है फेसबुक सारी दुनिया यूज कर रही है, आप में से हर बंदा यूज कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कोई इसको ऐसा बंदा होगा जो नहीं यूज कर रहा होगा इसको। और इस वक्त फेसबुक पे अमेजोन से रेलिवेंट सर्विसेज बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, सर्च की जा रही है। मल्टीपल स्टूडेंट्स को यहाँ से पोटेंशियल क्लाइंट्स इस वक्त को लास्ट एक महीने के अंदर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनको यहाँ से क्लाइंट्स मिले हैं। तो ये इसी तरह ही, जिस तरह ये फेसबुक का आपके सामने एक एल्गोरिथम आ रहा है, हर वेबसाइट का जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म का इस तरह से एल्गोरिथम है। इसको स्टडी करें, इसको देखें, और आप ये देखें कि आप कहाँ पे लेकर रहे हैं, कहाँ पे आपको चीजें समझ नहीं आ रही, और कौन सा प्लेटफॉर्म आप नहीं यूज कर रहे। पहले एक बार जो लोग, ये उनकी बात करूं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को, अपने ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना सर्विस स्ट्रक्चर जो है पहले उसको बनाएं, ताकि उसके बाद आप इन प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज कर सकें। इनकी जो ट्रैफिक है और इनके जो भी कंटेंट हैं या चीजें हैं, उसको राइट वे में आप यूज कर सके। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपने सर्विसेज अपने आप को किस तरह से मार्केट करना है, अपनी सर्विसेज को किस तरह से आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना है, तब तक इनका कोई फायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं क्विकली कि इनके स्टैट्स क्या हैं। अच्छा जी, जैसे इस वक्त एक्टिव यूजर जो है वो फेसबुक पे तकरीबन मंथली 2.912 बिलियन है। मंथली यूजर्स की इस वक्त, जो कि डेली इस वक्त कनेक्ट होते हैं, 79% जो है उनकी इस वक्त रेशियो जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से जी, वुमेन इतने परसेंट इस पे अवेलेबल हैं और मेन की रीच ये है। उसके अलावा यहाँ पे गोल्स क्या दिए हुए, जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी कौन सी सर्विस किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज मार्केट करना है। आपने अपनी सर्विसेज देनी है तो उसके लिए फेसबुक है, टिकटॉक है, आपने मार्केट करना है अपने आप को, अपने ब्रांड को या अपनी प्रोफाइल को, तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है। इस गोल से हमें ये चीजें बहुत पता चलती है। जैसे एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ कि कम्युनिटी बिल्ड अ कम्युनिटी अंडर
लॉयल्टी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, एडवांटेज आप ले सकते हैं, एडिशनल सेल्स चैनल यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई हैं, आप इन टिप्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग, इवन आप अपना ब्रांड कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज, ये तीनों तरह की कैटेगरी इसको टारगेट कर रहे हैं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लोग इस टिप्स के साथ, इन टिप्स के साथ उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टूल्स हमारे पास क्या यूज होंगे, फेसबुक एड्स, शॉप्स, फेसबुक इनसाइट, पिक्सल, फेसबुक आईक्यू, ये सारे टूल्स इसके मार्केटिंग टूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि वन इमेज के अंदर आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जितने भी हमारे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊं तो टिकटॉक आ जाता है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा आप कह लें मार्केटिंग के लिए सबसे मोस्ट रिलायबल टूल, या इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, तकरीबन आप कह लें कि 1 बिलियन मंथली इस वक्त यूजर यहाँ पे एक्टिव बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसकी तकरीबन 3 बिलियन डाउनलोड्स ऐप स्टोर, गूगल प्ले इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है, इन जगहों के ऊपर जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेजर पार्ट क्या है जी, मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन टिकटॉक इज मेन बिटवीन 16 एंड 24 ईयर ओल्ड एट 60%, 60% जी इसमें वुमेन है और 40% मैन, मतलब अगेन इसमें 50-50 आप कह लें कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों तरह के जो है मेल फीमेल दोनों का इंटरेस्ट इसमें है इस प्लेटफॉर्म में। तो इसको भी आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्ची सी वीडियोस बना के आप मार्केट कर सकते हैं। गोल्स यहाँ पे जैसे इसके भी यहाँ पे बताया हुआ है, प्रपोज चैलेंजेस, गेट क्लोजर, क्रिएट अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, क्रिएट कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट बनाए उसको शेयर करें, वायरल होता है, बेनिफिट क्या है जी, एंगेजमेंट अगेन वो होती है आपकी अगेन, और उसके अलावा इसमें आप क्रिएटिव एंड ह्यूमरस कॉन्टेंट बना सकते हैं, प्लस अगेन टिप्स किस तरह से आप इसको मजीद चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ये बड़ा इसमें अच्छा है कि पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें आपको सजेशंस दी हुई हैं किस तरह से अपनी प्रोफाइल को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने ब्रांड को आप मार्केट कर सकते हैं। टूल्स इसमें कौन से यूज होते हैं जी, ये सारे टूल्स इसमें आते हैं, ठीक है। अकाउंट टू फॉलो भी इन्होंने बताया हुआ, कुछ फेमस अकाउंट्स उनको किस तरह फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे आते हैं, एक ये ट्विच वेबसाइट है जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी पता चला, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बताया हुआ, ये एक्टिव यूजर किस तरह है, अगेन इसके गोल्स क्या हैं, इसके टिप्स क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं। आगे चलें तो इंस्टाग्राम आप सब लोग यूज कर रहे हैं, आप अगेन अपनी सर्विसेज के लिए, मार्केट के लिए, प्रोडक्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी यूज करें। यहाँ पे देखें जी 1.470 कितना, तकरीबन 1.5 बिलियन बंदा इस वक्त बैठा हुआ है। अगेन इसके गोल्स यहाँ पे क्या हैं, इसके टिप्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, कौन से अकाउंट्स आप फॉलो, जो मेजर बड़े अकाउंट्स उनको फॉलो कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें ऑर्गेनाइज करके, ये नहीं कि आप सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे काम करना शुरू कर दें, आप अपने एक रूटीन बनाएं, डेज डिसाइड करें, आज फेसबुक पे काम करना है 2 घंटे, कल 2 घंटे आपने इंस्टाग्राम पे काम करना है, कल 3 घंटे, फिर अगले दिन आपने टिकटॉक पे, इस तरह से अपने आवर्स को डिवाइड करें, बजाय कि आप ये पोस्ट दे के सारे प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दें जिसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना एक अच्छा सा, मैं फिर बता रहा हूँ, एक प्रपोजल, एक अपना पोर्टफोलियो जरूर बिल्टअप करें, जो कि एक्सेस रोड नहीं बिल्टअप करते, ठीक है। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म को साथ देना है, इनको हफ्तों में 7 दिन पर डिवाइड कर दें, एक दिन फेसबुक के लिए रख दें, एक दिन इंस्टाग्राम के लिए, और अपनी सर्विसेज को मार्केट करना शुरू कर दें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस बिल्ट होगी, आपके पास डिफरेंट कंट्रीज से जो है ऑडियंस रीच करेगी, और अगेन आपकी इंटरनेशनल विजिबिलिटी जो है जो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह क्या आगे मैं चलूं तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड एक वेबसाइट है जी, स्नैपचैट है जिसके बारे में फीचर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाता है, जो कि सारी दुनिया, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा आज ये नहीं कहता कि व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा, लेकिन हम सिर्फ व्हाट्सएप को मैसेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास बहुत कुछ यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको व्हाट्सएप को भी, व्हाट्सएप बिजनेस को हम सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए हम मार्केट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलूंगा, बट ये है कि इस पे आप वर्कआउट करें, आप चीजों को देखें, और जिस तरह मैंने बताया कि डिवाइड करें, बजाय कि एक ही दिन पे सब सारे प्लेटफॉर्म पे काम शुरू कर दें, आप डिवाइड करके अपनी सर्विसेज को आप इस पे क्या करें, इसको मार्केट करें, और थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल जो है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया उसको ऑप्टिमाइज एज पर जो ये एल्गोरिथम आ रहे हैं, जिस तरह टिप्स बताई हुई हैं,
क्या है उसके हिसाब से आप करें, ठीक है। डिवाइड करने के सर्विस लेनी है तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, मार्केट करना है तो टिकटॉक यूज कर लें, व्हाट्सएप करना है तो कस्टमर सर्विस के लिए आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद इन आपकी जो सर्विसेज है उसमें बेहतरी आएगी। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बहुत अच्छी लेके आ रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स डिस्कवर की हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट डिस्कवर हुई हैं जिसमें कि रिमोटली हर तरह का कस्टमर है, हर तरह का उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है जिसमें कि इंटरनेशनली लोग सर्विसेज देख रहे हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे एक आध दिन में शेयर करूंगा। तब तक थोड़ा सा आप इसको देखें, इन चीजों का समझें, इसके स्टैट देखें, इसको एल्गोरिथम देखें और देन दोबारा से अपने आप को एक कहने के रिफ्रेश करें और गिव अप ना करें, स्टार्ट करें और इंशाल्लाह चीजें मजीद आपकी बेहतर होंगी। बेस्ट ऑफ लक जी, अपना संडे आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।